वो क्रीप, क्रॉल और फ्लाई भी कर सकते हैं। वो प्लैनेट पर लगभग 80% ऑफ एनिमल स्पीशीज होने के साथ मोस्ट अबंडेंट हैं। ये कौन है? ये आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड्स नाम एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड और पॉड्स का मतलब अपेंडेजेस है। आर्थ्रोपोड्स को फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। इस फाइलम में स्कैरी स्पाइडर्स, द पॉइजनस स्कॉर्पियंस, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स, क्रेफिशेस, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स और ऑब्वियसली मोस्ट वर्सेटाइल इंसेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कॉकरोचेस, बीटल्स, बीज, एंट्स, बटरफ्लाइज। आर्थ्रोपोड्स एनिमल स्पीशीज में मोस्ट सक्सेसफुल हैं, और इस सेशन में हम आर्थ्रोपोड्स के उन फीचर्स के बारे में सीखेंगे जो उन्हें सक्सेसफुल बनाते हैं। चलिए उनकी बॉडी से शुरू करते हैं। आर्थ्रोपोड्स में बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल सिमेट्री बॉडी को एक स्ट्रीमलाइन होने में हेल्प करती है, जिससे इजी मूवमेंट में हेल्प मिलती है। ये रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में देखने और सुनने की कैपेसिटी को भी एनहेंस करती है। आर्थ्रोपोड्स की बॉडी एक डिस्टिंक्ट हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन के साथ सेगमेंटेशन को भी शो करती है। ये सेगमेंटेशन एक ऑर्गेनिज्म को ट्रैवल करने और उनके सेंसिटिव ऑर्गन्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। मोर ओवर, स्मूथ लोकोमोशन के लिए इनमें ईच सेगमेंट में लेग्स का एक पेयर अटैच होता है। कुछ आर्थ्रोपोड्स के केस में लेग्स के नंबर कुछ हंड्रेड्स तक हो सकते हैं, जैसे कि मिलीपीड्स के केस में। ऑल्सो इन सेगमेंट्स को हार्ड एक्सोस्केलेटन से कवर और प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना होता है, जो केमिकली प्लांट सेल वॉल के सेलुलोज के सिमिलर होता है। हाँ, दोनों ही शुगर के टाइप्स हैं। आर्थ्रोपोड्स में उनके डेवलपमेंट के टाइम सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर ग्रो करता है, जबकि एक्सोस्केलेटन ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए इंटरनल ग्रोथ एकोमोडेट करने के लिए आर्थ्रोपोड्स अपने एक्सोस्केलेटन को कई बार शेड करते हैं, जब तक कि वो एडल्ट नहीं बन जाते। एक्सोस्केलेटन के कास्टिंग ऑफ या शेडिंग के प्रोसेस को मोल्टिंग या एग्डाइसिस कहा जाता है। मोल्टिंग होने के बाद एक्सोस्केलेटन फिर से ग्रो करता है, और आप ही जान के अमेज होंगे कि इस स्टेज में बहुत सारे प्रीडेटर्स आर्थ्रोपोड्स का शिकार करते हैं, क्योंकि बिना एक्सोस्केलेटन की बॉडी का शिकार करना एक ईजी टारगेट है। अब उनकी एम्ब्रियोनिक बॉडी वॉल की बात करते हैं। आर्थ्रोपोड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि उनकी एम्ब्रियोनिक बॉडी वॉल तीन जर्म लेयर से बनी होती है। इसके अलावा वो सीलोमेट्स होते हैं और ट्रू सीलोम या बॉडी कैविटी पजेस करते हैं, लेकिन उनका सीलोम ब्लड से भरा होता है और इसीलिए उसे हीमोसील कहा जाता है। यहाँ हीम का मतलब ब्लड और सील का मतलब कैविटी है। अब अगर ब्लड बॉडी कैविटी में भरा हुआ है और ब्लड वेसल्स तक कन्फाइंड नहीं है, तो आर्थ्रोपोड में किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है? हाँ, सही गेस किया, आर्थ्रोपोड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। तो इसका मतलब ब्लड डेफिनेट ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है, बल्कि बॉडी टिश्यूज और सेल्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। चलिए अब आर्थ्रोपोड्स के रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। मोस्ट आर्थ्रोपोड्स ओवीपैरस या एग ले करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि स्कॉर्पियंस वीवीपैरस होते हैं और यंग वंस को बर्थ देते हैं। मोस्ट आर्थ्रोपोड्स में यंग वंस एडल्ट से टोटली डिफरेंट दिखते हैं और उन्हें लार्वे कहा जाता है। इस तरह का डेवलपमेंट जिसमें लार्वल स्टेज इंक्लूड होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। वो प्रोसेस जिसमें एक लार्वा मल्टीपल इंटरमीडिएट स्टेज के थ्रू एक एडल्ट में डेवलप होता है, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। हाउएवर, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस जैसे आर्थ्रोपोड्स में यंग वंस जस्ट एडल्ट का एक स्मॉलर वर्जन होता है। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होता। आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ साइकिल के बारे में इतना ही। चलिए अब आर्थ्रोपोड्स के अंदर के डिविजन पर नजर डालते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस और बॉडी सेगमेंट्स के नंबर के बेसिस पर फाइलम आर्थ्रोपोडा को फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास क्रस्टेशिया, जिसमें लेग्स के कई पेयर्स होते हैं और बॉडी में दो सेगमेंट्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल प्रॉन या पेलीमॉन है। क्लास माइरापोडा, जिसमें थ्री बॉडी सेगमेंट्स और लेग्स के मल्टीपल पेयर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटीपीड या स्कॉलोपेंड्रा है। क्लास इंसेक्टा, जिसमें लेग्स के थ्री पेयर्स और थ्री बॉडी सेगमेंट्स हैं। इसमें मस्का डोमेस्टिका इंक्लूड होते हैं, जिसे कॉमनली हाउसफ्लाई के नाम से जाना जाता है। और क्लास एराकनीडा, जिसमें दो बॉडी सेगमेंट्स और लेग्स के फोर पेयर्स होते हैं। इसमें पेलामनियस या स्कॉर्पियन और एरेनिया या स्पाइडर इंक्लूड होते हैं। आर्थ्रोपोडा और उसकी क्लास के बारे में बस इतना ही। चलिए अब एक क्विक रिविजन करते हैं। आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोड्स में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। आर्थ्रोपोड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट्स और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं।
आर्थ्रोपोड्स में सीलोम को हीमोसील कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड से फिल्ड होती है। आर्थ्रोपोड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। आर्थ्रोपोड्स में बॉडी सेगमेंटेड है और हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है। बॉडी काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। डेवलपमेंट के टाइम एक्सोस्केलेटन की शेडिंग को मोल्टिंग या एग्डाइसिस कहा जाता है। मोस्ट आर्थ्रोपोड्स ओवीपेरस होते हैं और कुछ जैसे कि स्कॉर्पियंस वीवीपेरस होते हैं। आर्थ्रोपोड्स में मोस्टली इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होता है जिसमें लार्वल स्टेज इंक्लूड होता है, लेकिन कुछ आर्थ्रोपोड्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एक लार्वे के एक एडल्ट में डेवलप होने के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। आर्थ्रोपोड्स को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्रस्टेशिया जिसमें क्रैब्स, श्रिम्प्स, प्रॉन्स और लॉबस्टर्स इंक्लूड हैं। माइरियापोडा जिसमें सेंटीपीड्स इंक्लूडेड हैं। इंसेक्टा जिसमें हाउस फ्लाइज, बीटल्स, बीज एक्सेट्रा इंक्लूड हैं। और एरैक्निडा जिसमें स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स इंक्लूड हैं। आई होप आपने आज कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक कीप लर्निंग।